हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS के रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, NVS का जो फॉर्म निकला था जुलाई महीने में और उसका जो लास्ट डेट दिया गया था आपको याद होगा 26 अगस्त को उसका लास्ट डेट था, यानी कि एक महीना भी हुआ नहीं और इसके पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है NVS का, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी प्रतिष्ठित जॉब माना जाता है, क्योंकि इसमें TGT PGT और बहुत सारे अदर पोस्ट हैं, जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं LDC है, उसके बाद म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, PT मेल फीमेल, जो इस प्रकार इंग्लिश TGT हैं, TGT साइंस है, इस प्रकार जो है बहुत सारे वेरियस पोस्ट हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि NVS का में जॉब पाना जो है अपने आप में एक प्रतिष्ठा का सम्मान है, क्योंकि ये टीचिंग फील्ड है और टीचिंग डिपार्टमेंट में जॉब करना जानते ही आपको कि देश का भविष्य जो है वो हमारे स्कूल से स्टार्ट होता है, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति जैसे स्कूल से या फिर केंद्रीय विद्यालय, आप कोई भी स्कूल ले लीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है स्कूल है नवोदय विद्यालय समिति। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करेंगे कुछ बातों, जैसे कि आपको CBT का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसे आपको कैसे क्रैक करना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने काफ़ी लंबे समय से तैयारी किए होंगे और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि CBT को पहले ही टाइम पे अटेम्प्ट में यानी कि क्रैक नहीं करना चाहता। तो हर इंसान जो है कुछ ना कुछ पढ़ता है, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं। जहाँ आपको पता होगा, किताब अगर पढ़ने से सारा ज्ञान मिल जाता तो हमें शायद किसी कोचिंग क्लासेस या स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पुस्तक छपे हुए हैं, आप लाइब्रेरी से उठाइए और पढ़ लीजिए। तो कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क जो है हमें सीखना ही पड़ता है दूसरों के अनुभव से। तो अनुभव से ही सीखने को हमें कहते हैं कि नॉलेज। तो ये नॉलेज आपको क्या है, किसी के एक्सपीरियंस से मिलेगा। तो ये एक्सपीरियंस क्या है वही हम आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये होगा कि हमें एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो एडमिट कार्ड के देखिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा नवोदय विद्यालय समिति की, वहाँ पर आपको जो है लॉग इन पेज होगा। तो आपको लॉग इन पेज में जाकर क्या करना होगा दोस्तों, आपका जो है ID, जी हाँ दोस्तों, आपका ID जो होगा क्या होगा, वो आपका लॉगिन ID का वो होगा आपका स्टार्टिंग NVS से, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल नंबर होंगे कुछ इस प्रकार के। तो ये नंबर अगर आप भूल चुके होंगे अपना ID, तो आप क्या करिए, मेल ID में जाइए, जीमेल आपका जो भी मेल होगा आप उसमें जाइए और NVS टाइप कीजिए सर्च बॉक्स में, तो वहाँ से आप जो है आसानी से अपना ID प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से पासवर्ड भी मिल जाएगा। पासवर्ड जो है आपका न्यूमेरिकल में होगा 12477, जो भी आपका नंबर हो, इस प्रकार के कुछ नंबर्स होंगे। तो ये हो गया, उसके बाद जब लॉगिन ID में आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जो होगा आपका पहला वो होगा एप्लीकेशन डिटेल्स और दूसरा होगा हॉल टिकट। तो ये दो चीज़ें आपकी दिखाई देंगे देखिए यहाँ पे। तो इस प्रकार आपको फिर नीचे देखिए आना होगा, यहाँ पे दिया होगा असाइनमेंट, आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऑलरेडी क्लिक करके भर दिया। तो देखिए असाइनमेंट में क्या है, NVS 16 September 2019 S2। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद करना है सर्च पे क्लिक। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे सर्च का जो है बटन दिया हुआ है, तो आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे देखिए कुछ इस प्रकार का असाइनमेंट ओपन होगा, जो होगा NVS 16 September 2019 S2, और रिकॉर्ड्स का नाम देखिए दिया हुआ है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, और एक्शन है यहाँ पे डाउनलोड। तो यहाँ पे आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड। तो यहाँ से देखिए मैंने डाउनलोड करने के लिए बटन दबा दिया है, उसके बाद देखिए यहाँ पे PDF फाइल जो है ओपन हो चुकी है, अब हमें बस इसे ओपन करना है। यहाँ पे हम PDF रीडर में जाएंगे और इस प्रकार देखिए हम जो है डाउनलोड कर लिए। जी हाँ दोस्तों, शैलेश सर के हैं स्टूडेंट्स, उनका है ये डेट ऑफ एग्ज़ाम, टाइम देखिए 16/9/2019, और इनका जो शिफ्ट है वो है 12:30 से 2:30 बजे के। जी हाँ दोस्तों, 12:30 से इनका टाइमिंग है, ITG पवई मुंबई, ये यानी कि महाराष्ट्र में इनका सेंटर है। तो ये है दोस्तों, और किसमें जानते हैं कुछ केयरफुल मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको क्या क्या लेके जाना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंसिडर अंडर द सर्कमस्टेंस, यानी कि आपको जो है एग्जाम सेंटर में कोई बदलाव नहीं होगा, आप उसके लिए कुछ भी कर लीजिए। तो इस चीज़ को भूल जाइए कि आपको अगर अपना एग्जाम सेंटर बदलवाना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ। सेकंड चीज़ की बात कर ले तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जी हाँ दोस्तों, नो फोटो कॉपी और स्कैन कॉपी इन ओरिजिनल, यानी कि आपको जो भी वोटर कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो भी होगा आपको जो है वो फोटो कॉपी नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे एक एडमिट जो है ओरिजिनल लगेगा। द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी मैच फ्रॉम द ओरिजिनल प्रूफ। इन केस ऑफ योर एडमिट कार्ड इज विदाउट फोटोग्राफ, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर, और आपको 2 फोटो लेके जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं और उसका जो है इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं पढ़ते, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा एग्जामिनर में एग्जाम सेंटर पे काफ़ी स्टूडेंट जो है परेशान हो जाते हैं, यार मैंने फोटो नहीं लाया, फिर मैंने जेरोक्स नहीं लाया, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप क्या कीजिए, मैं आपको इस वीडियो में अभी वही बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है। तो 2 फोटो और आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, उसके बाद देख लीजिए आपको क्या क्या पूछा जाएगा। पेपर पैटर्न के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो क्योंकि स्मार्ट वर्क जो है आपको पहले क्या होता है कि आपको जो है पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़ना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स,
कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये एलडीसी का मैं बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए, ये लोअर डिवीजन क्लर्क का जो पोस्ट है ये उसके लिए बताया जा रहा है। यूनिट वन में देखिए क्या है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ये आपका होगा 30 मार्क्स का और 15 क्वेश्चन ईच, यानी 15 नंबर हिंदी के लिए आएगा और 15 नंबर इंग्लिश के लिए, तो 30 नंबर आपके यहाँ हो गए। अब यूनिट टू में आ जाते हैं तो जनरल अवेयरनेस होगा जो 25 नंबर के पूछे जाएंगे, फिर रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे 25 नंबर का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 20 मार्क्स का और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका जो है टोटल मार्क्स। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, 120 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपको लेके आना है कट ऑफ में जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे 2 घंटे का समय दिया हुआ है और 120 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 120 क्वेश्चन 2 घंटा यानी पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है। तो यहाँ 120 क्वेश्चन लिख लीजिए और नीचे लिख लीजिए 120 मिनट, तो आप इसको समझ लगे होंगे कि 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन करना है। यानी अगर आपको खुद लगता है क्वेश्चन लेंदी है, जैसे कि आप देख लीजिए पैराग्राफ नंबर 10 जो दिया हुआ है, ये पढ़ने में ही हमें कम से कम 40 सेकेंड या 30 सेकेंड्स जो हमारा सिर्फ पढ़ने में चला जाएगा, तो अगर इसे सॉल्व करने जाएंगे तो शायद इसमें समय ज़्यादा लग सकता है। तो आपको इस बात का अंदाज़ा खुद से लगाना है कि पेपर में जो दिया है सवाल क्वेश्चन जो भी आपका दिया हुआ है उसे पढ़ने में ही अगर आपका 1 मिनट से ज़्यादा का समय जा रहा है और मार्क्स उसका सिर्फ और सिर्फ 1 है, क्योंकि आपको पता है कि हर मिनट की कीमत आपको सिर्फ 1 नंबर ही है, तो अगर आपको लगता है कि मैं इससे छोटे में यानी कि कम समय में ऑलरेडी जो है दूसरे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो सबसे पहले आपको वो करने हैं जितने भी स्मॉल जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपको लगता है कि 1 लाइन क्वेश्चन है, 1 वर्ड क्वेश्चन है, पहले आप उन्हें सॉल्व कीजिए। मानते हैं हमें सभी कुछ करना है, लेकिन पहले स्मार्ट वर्क तरीका जो अपनाना है वो कर लेते हैं। सबसे पहले स्मार्ट तरीका ये अपनाना आपको कि जितने भी शॉर्ट हैं, जी हाँ दोस्तों शॉर्ट मतलब जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1 लाइन क्वेश्चन जो होते हैं, पहले उन्हें सॉल्व करना है ताकि जो है आपका जो टाइम का मैनेजमेंट है, जो टाइम को आपको कंज्यूम करना है, वो जो है आपका यहाँ पे बच सके। तो सबसे पहले जब शॉर्ट आप तरीके अपना लेंगे, उसके बाद जितना समय बचता है उसमें ये देखना है आपको कौन सा क्वेश्चन आपको लगता है कि ईजी है, यानी कि आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा, बट ये लेंदी है उसे छोड़ दीजिए, उसे स्किप करना ही आपके लिए भलाई है। आप जो जाइए उस क्वेश्चन पे जिसको लगता है हाँ इसमें कम समय में क्वेश्चन कर लूँगा, क्योंकि आपको पता है कि लंबा क्वेश्चन है इसलिए आपने उसको सेकंड प्रेफरेंस दिया है, और अब सेकंड प्रेफरेंस के बाद भी उसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, जिस पे आपको लगे कि हाँ मैं इस पे आंसर निकाल लूँगा। ऐसा ना हो कि आप ये सोचिए कि हाँ अब मैं सीरियल वाइज जितने भी लंबे लंबे क्वेश्चन हैं जितने भी मैंने स्किप किए थे अब मैं बाकी के समय में उसे करना, क्योंकि आपके पास बाकी में ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना बचता है दोस्तों, 30 से 40 मिनट्स। जी हाँ, इससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचता है किसी भी स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि सभी के लिए टाइम तो निश्चित है 120 मिनट ही है। अब 120 मिनट में आपने जितने भी छोटे क्वेश्चन किए वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास बचा 30 से 40 मिनट, उसमें भी आपको लगभग 30 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अब आपको पता है कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन होने वाले हैं नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्या हैं अभी लेंदी है, यानी कि सब जितने तो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ब्रीफ क्वेश्चन हैं। अब इसमें से क्या करना है आपको, चूज़ करना है कि उन सवालों को जो लगता है कि हाँ ये मैं फॉर्मूला अपनाऊंगा, इसमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, या ये जीके क्वेश्चन पे मुझे डाउट है उसे क्लियर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर आपको जो है माइनस मार्किंग नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ, मैं वो बता देता हूँ आपको। यानी अटैम्प्ट तो आपको सब करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अटैम्प आपको सब करना है, लेकिन जो पहले करेक्ट कर रहे हैं पहले वो कर लीजिए। अपने पहले एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि हाँ मुझे इतने सवाल आ रहे हैं, इतने सवाल नहीं आ रहे हैं, इतने सवालों में से भी मैं इन सवालों को अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे आ जाता है। आप अपने 10 मिनट जो है हमेशा बचा के रखिए। जी हाँ दोस्तों, कितना भी समय आपके पास क्यों ना ज़्यादा बचा हो, लेकिन आप जो है 10 मिनट जो है अपना बचा ही लीजिए, क्योंकि 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, आपको जितने क्वेश्चन आपने छोड़ा है सभी को टिक करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ साफ साफ, ये देखिए मैं इसको थोड़ा कॉल में लेता हूँ। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज अ नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है सबसे चीज़, यानी कि 120 में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि जिसका अटैम्प्ट जो है 120 ना हो, यानी कि 120 आउट ऑफ 120 आपको सभी अटैम्प्ट करने हैं। तो ये हो गया आपकी स्ट्रैटेजी कि आपको जो है पहले सॉल्व जो करना है छोटे क्वेश्चंस, उसके बाद जो है बड़े क्वेश्चंस को रखना है, उनमें से भी आपको पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको आता हो, उसके बाद क्या करना है आपको 10 मिनट का समय अपने लिए बचाना है एंड में, और उस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है यानी टिक करना है। आपको पता है यहाँ पे सिर्फ टिक ही करना रहता है, तो सभी को टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक भी नंबर नुकसान नहीं होने वाला। माना आपको सही कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों ना आने से बेहतर है कि आप कुछ करके जाइए, क्योंकि आपको 4 आंसर्स मिलते हैं। आपको पता है कि किस्मत भी कुछ चीज़ है, जी हाँ किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है हमें जॉब दिलाने में। तो ये ए भी हो गया, ये हमारा ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो यहाँ पे तो आपको 100% जीरो है, आप मतलब आपका नंबर मिल रहा है ना नंबर कट रहा है। लेकिन अगर आपने बाई चांस ए मार दिया या बी मारा सी मारा, जो भी आपने एक टिक मार दिया, एक आप थॉट सोचिए कि अगर वही आंसर राइट हो गया
तो आपको क्या है बोनस में एक नंबर मिल जा रहा है। तो ये जो बोनस के मार्क्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब कट ऑफ तैयार होती है। आपको पता है कि 120 में से कट ऑफ भी जो है कम नहीं जाने वाली, 75 से लेके 80 के ऊपर जो है कट ऑफ जाती है। तो ये इतने मार्क्स आपको लाने के लिए दोस्तों काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये 80 से जो आंकड़ा है इसे आपको छूने के लिए क्या करना है, आपको सारे के सारे पहले तो अटैम्प होने चाहिए 120 अटैम्प, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग नहीं है। अगर माइनस मार्किंग होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि दोस्तों आपको फुल अटैम्प करना है। यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको अटैम्प जो है पूरा करना है। तो ये तो हो गया आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का तरीका। अब जान लेते हैं आपको जो है कौन सी वेबसाइट पे जाना है। आपको मैंने बताया था ऑफिशियल वेबसाइट, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। और दोस्तों एक खास चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कि आपका पेपर हो गया है तो भी आप दोस्तों 2 घंटे के पहले, मतलब आपका पूरा टाइम जब तक नहीं हो जाता आप उस पेपर क्वेश्चन को छोड़कर जा नहीं सकते, यानी CBT से उठ नहीं सकते, तो आपको बैठना ही होगा। इस चीज़ को आप गांठ बांध के जाइए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने देखा एग्जाम में, मैंने भी ऑलरेडी काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं, तो उससे मैंने भी सीखा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको शायद आता हो ना आता हो या फिर बहुत ही तेज हों, उनका क्या होता है एक से जो है 25 मिनट 30 मिनट या 40 मिनट पहले ही जो है पेपर खत्म हो जाता है। तो सर मैम उठ के जाते हैं, वो अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, साथ में दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं जो वाकई सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिए कि आपको उठने की कोई इजाज़त मिलने वाली नहीं है। तो बेफिक्र होकर आप आराम से 2 घंटे का समय लीजिए, आपके पास पूरा 2 घंटा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का इंस्ट्रक्शन। जी हाँ दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कैसा जो है करना होगा, देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो पहला है कि नॉट आंसर, जो आपका क्वेश्चन पे जब विजिट नहीं करते, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाएगा, ये रेड तब दिखाएगा यू आर नॉट आंसर द क्वेश्चन। आप जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे वो सारे कॉलम जो देखिए जैसे 2 लिखा है इसमें क्या सब लाल कलर में दिखाई देंगे, और अगर जिसका आंसर आप देते हैं वो ग्रीन हो जाता है। और चौथा देखिए इस प्रकार का जब आएगा तो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट यू मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। तो आपको रिव्यू के लिए जो वहाँ पे बटन होता है कि आप अगर उसको लगता है कि हाँ आपको डाउटफुल है तो आप उस पर क्या कीजिए रिव्यू के लिए डाल दिए, ताकि आपको जो है मेंशन कराएगा। स्क्रीन पर क्या होता है ना दोस्तों, कंप्यूटर जो पहली बार देने जा रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा, यहाँ पे स्क्रीन होता है, यहाँ पे आपको जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 120 तक ये जो है कॉलम बना होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन होता है, ये पूरा आपका डेस्कटॉप होता है। जी हाँ, तो यहाँ से आपको ना पता चलता जाएगा कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, यानी कि आपको यहाँ पे नॉर्मली आप देख सकते हैं कि हाँ ठीक है ये मैंने नहीं किया, ये अटैम्प बाकी है, ये रिव्यू के लिए दिया है। इसलिए दोस्तों ये चीज़ें को भी आपको फोकस करना है, देखना है, ताकि जो फर्स्ट अटैम्प जिसका पहली बार होता है उसे काफ़ी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, इसके लिए हम ये बात बता रहे हैं। अब देख लीजिए क्या करना होता है, फिर आपको क्या करना था, क्लिक सेव एंड नेक्स्ट पे। अगर आपका क्वेश्चन लगता है कि हाँ आपने आंसर दे दिया तो सेव एंड नेक्स्ट वहाँ पे बटन होगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और बात खत्म। फिर अगर आपको लगता है रिव्यू के लिए तो देखिए वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, यहाँ पे भी वो भी ऑप्शन आपको दिया होगा, इस प्रकार जो है आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं जो आपको। तो दोस्तों हमने देखा इसमें किस प्रकार आपको जो है अपना स्मार्ट तरीका यूज़ करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 120 क्वेश्चन में से आपको 120 अटैम्प करना है, और साथ ही हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नॉलेज चैनल पर हम नवोदय विद्यालय संबंधित सारे पेपर क्वेश्चंस कराने वाले हैं, साथ ही दोस्तों से कट ऑफ को लेकर आने वाले हैं। हमारे जो बाकी वीडियोज़ आएंगे आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको उसमें नवोदय विद्यालय के सब कुछ जो है डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।